यहाँ पे एक्सीडेंट उक्सीडेंट हो जाता होगा तो? एक्सीडेंट बहुत होता है यहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं है ना देखने वाला है। एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, प्रॉपर होता रहता है, पेपर में आउट नहीं होता है। अच्छा, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। इन एक ठेकेदार की छोटी सी गलती के कारण कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग यहाँ पे मर जाते हैं। पर सरकार को क्या लेना देना, उनको बस एक वोट कम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उनका एक वोट कम हो जाता है, उनके जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वोट कम हो गया, यही वो टीयर है ये, इसका संतुष्टि करके यहाँ पे कार्य हो जा रहा है। नमस्कार, नागिन तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक हफ्ते से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश, अभी हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं कंटिन्यूटी रहेगी और वहीं से स्टार्ट रहेगा, हर रोज़ आपकी वीडियो आती रहेगी। अभी हम एक रोड पे खड़े हुए हैं जिसका पीच हो रहा है, रिन्यूअल किया जा रहा है इसका, इस पीच का रिन्यूअल किया जा रहा है पूरा प्रॉपर। हम कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पहले हुआ था या नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि इतना यहाँ से साइड में आप देखते हैं तो 2 इंच भी नहीं होगा, 1 इंच, और यहाँ पे साइड में किया जा रहा है एक तरफ से। अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी हमने साइड में पूछने की कोशिश की, कुछ लोगों से हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब तेल गिराया गया है, ब्लैक तेल अलकतरा गिराया गया है यहाँ पे। अभी इतनी जर्जर स्थिति बनी पड़ी है, इसे भरने की कोशिश हो रही है बस। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ये बन चुका था, यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना 1 इंच का जो पट्टी दिख रहा है, यहाँ पे बन चुका था पहले, ये पहले बन चुका था और अब ये बन रहा है जो ये टूट गया। आप देख सकते हैं कि साइड में टूट गया है, ये रोड टूट गया है, पहले जो बना हुआ था एक साइड का और दूसरे साइड का अब बन रहा है। अभी आप देख सकते हैं ठेकेदार की कितनी लापरवाही है कि दूसरे साइड पहले बन चुका है और अब जाके ये हाईवे है और अब जाके ये बन रहा है दूसरे साइड का। पहला साइड बन चुका था और दूसरा साइड अब जाके बन रहा है। अभी आप देख सकते वो टूट भी गया है, उसके बाद रिन्यूअल का पैसा आएगा तब उसके बाद बनेगा। अभी एक साइड पेज करने की कोशिश हो रही है, पेज किया जा रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से, इसे एक साइड पेच किया जा रहा है, ये पेच नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पेच नहीं किया जा रहा है, ये पहले बन चुका था, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहले बन चुका था दूसरे पहले साइड का और दूसरे साइड का रह गया था, उसके बाद ही अब बनाने की प्रयास कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, अब बन रहा है। अभी आप देख सकते हैं पहले जो बन गया था वो टूट भी गया है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं ये टूट भी गया है और साइड में इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती है कि जब पहले साल ये पहला बन गया था तो दूसरा क्यों नहीं बना, और जब ये अब बना रहे हैं तब उसके बाद रिन्यूअल का पैसा आएगा तब ये बनेगा। और रिन्यूअल का पैसा आएगा तो ये इनके जेब से नहीं आएगा, ठेकेदार की जेब से नहीं आएगा, नितिन गडकरी से देंगे, वो भी किसके थ्रू से, ये जनता के पैसे से, जनता का पैसा होगा, उसके बाद रिन्यूअल का पैसा आएगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसे बिछाया जाएगा और अच्छे से बनाया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये बन चुका है, पहले का बन चुका है और जब ये जांच ऊंचाई होगी तब उसके बाद ये दूसरा बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती हो जा रही है और दोष किस पे दिया जा रहा है, ऊपर जो बैठे हैं उनको, और सारा माला ये खा रहे हैं। हम पूछने की कोशिश की तो जेई साहब कहीं गए हुए हैं, जेई साहब अगर आएंगे तो हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसका एक साइड से इसका रिन्यूअल किया जा रहा है, दूसरे साइड से अभी वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। हम लोग गांव के लोगों से हमने जानने की कोशिश की यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि एक साइड का हो गया था पहले और दूसरे साइड का नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड का नहीं हुआ था, दूसरे साइड का अभी किया जा रहा है। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, ठेकेदार से वहाँ होंगे तो ठेकेदारों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहले ये क्यों हो गया और दूसरा साइड अभी क्यों हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकर के सामने खड़े हुए हैं, आप इसकी मोटाई अब देख सकते हैं, मोटाई कितनी होगी, 1 इंच भी नहीं होगी और यहाँ पे पीच किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, पर यहाँ पे अभी साइड में भी कुछ घर दिखाई है, यहाँ पे घर साइड में है, यहाँ पे भी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश की तो अभी हम बता रहे हैं कि हम क्या बोल सकते हैं। आप साइड में आ जाइए, कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो बता रहे हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, पर यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे पीच है और पीच पूरा जर्जर स्थिति है पीच की। आप देख सकते हैं साइड में आइए, यहाँ पे देख सकते हैं कि पिंच की यहाँ से वहाँ तक हमने जहाँ तक हम बाइक से गए और देखने की कोशिश की तो यहाँ पे पिंच की जर्जर स्थिति बनी पड़ी है, यहाँ पे जर्जर स्थिति है, साइड में बन रहा है पिंच, रिन्यूअल हो रहा है इसका, पिंच का रिन्यूअल हो रहा है। साइड में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठेकेदार से मिलने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देख सकते हैं दूसरा रिन्यूअल हो चुका है, पहला यहाँ पे जर्जर स्थिति है।
अच्छा आप लोगों का ही घर है। अच्छा ये पहले पीच हुआ था या साइड में नहीं हुआ था? एक साइड में हुआ था, एक साइड में नहीं हुआ था। छोड़ दिए थे दूसरे साइड? हाँ, अब वही साइड फैन जो बाकी है वही करा रहे हैं। अच्छा, नया पर कोई दूसरा नहीं काम हो रहा है। अच्छा आपका घर यही है? हाँ जी यही है। अच्छा ये पीच हुआ था पहले एक साइड या दूसरे साइड या प्रॉपर ये अभी हो रहा है? ये अभी तो हो रहा है ये। अच्छा पहले हुआ था ये पीच? पहले नहीं हुआ था, वही एक साइड हुआ था बस ये वाला। अच्छा एक साइड हो गया था, एक साइड छोड़ दिए थे। हाँ अच्छा आइए। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड पिच कर दिया गया था और दूसरे साइड छोड़ दिया गया था। साइड दूसरे साइड छोड़ दिया गया था वैसे ही कि जब ये पास हो तब इसका रिन्यूअल किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास हुआ है, पास होकर दूसरे साइड तो वैसे ही पड़ गया था पहले जैसे, और अभी इसका पास हुआ है या नहीं हुआ है उस हिसाब से पहले वाला बजट है या अभी का बजट बना हुआ है उसके हिसाब से ये पिच किया जा रहा है, पिच का रिन्यूअल किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश की वहाँ पर भी घर के सामने से, तो हम पूछ रहे थे कि अगर यहाँ पे जो जर्जर स्थिति बनी पड़ी है उन लोगों को आपने बोला क्यों नहीं कि ये जर्जर स्थिति जो है अच्छी से बन जाए, पर बोल रहे हैं कि हमें क्या बोले। आप देख सकते हैं कि दूसरा साइड बना हुआ है, पहले साइड पहले बन गया था और दूसरा साइड अब जाके बन रहा है, ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती है। आप देख सकते हैं ठेकेदार को यहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे, ठेकेदार से हम जाकर बात करने की हम कोशिश करते हैं। अभी हमने साइड में वहाँ पे जाकर हमने दिखाने की कोशिश की जहाँ पे पीच हो रहा है। अभी साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वहाँ से लेकर करीबन 5 किलोमीटर दूर तक साइड में रोड बन गया है और दूसरे साइड में वैसे ही पड़ा हुआ है जिसे अब रिपेयर जब चेकिंग आई तब वहाँ से अब रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पहला बना हुआ टूट भी गया है, उसकी जर्जर स्थिति बन भी गई है और उसके बाद दूसरा जब ये चेकिंग आया तब यहाँ पर बनाना शुरू हो रहा है ठेकेदार के द्वारा। अभी आप देख सकते हैं दूसरा, आप साइड में आइए, दूसरे की दूसरा जब पहले बना हुआ था तो ये आप देख सकते हैं कि पहला के पहले की रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है और दूसरा जब चेकिंग आया है तब ठेकेदार के द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है दूसरी ओर का, और करीबन ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूर की बात नहीं है, ये करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये ऐसी जर्जर स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाने की वहाँ पे कोशिश की जब ये नया सड़क बनाया जा रहा है, अभी बनाए रहे हैं, जब चेकिंग आया तब ये बनाना शुरू कर रहे हैं ठेकेदार साहब। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये बन गया है, ये दूसरे साइड बन चुका है, पहले बार में जब ये पास हुआ था रोड पहले बार में ये बन गया और दूसरी बार में ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे पहला बार ये बना ही नहीं है और अब जाके जब चेकिंग आई है तब ये रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इन्हें इन पर जोर डाला गया तब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ का ये रोड। अभी आप देख सकते हैं, और इसके बाद हमने बताने की कोशिश की कि अगर इसके बाद हमने पूछने की कोशिश की ठेकेदार साहब से पूछेंगे तो बताएंगे कि जब ये बन जाएगा, जब ये लेवल हो जाएगा उसके बाद रिन्यूअल का पैसा आएगा, और रिन्यूअल का पैसा ये किसके खाते में से आएगा, तो हमारे जैसे गरीब मजदूरों के खाते में से पैसा कटेगा, तब ये टैक्स के पैसा कटेगा तो ये रोड बनेगा। अब देख सकते हैं कि पहली बार हमने बताने की बार बार प्रयास कर रहे हैं कि पहला ये रोड बन चुका है और इसकी दयनीय स्थिति भी हो चुकी है, और फिर भी दूसरा ये बनने के प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इन पे चेकिंग आ गया कि पहला वाला रोड कंप्लीट नहीं हुआ, तब इनसे ये कंप्लीट हो रहा है, जब कंप्लीट हो रहा है तब इसके बाद जब ये टूट जाएगा तो फिर रिन्यूअल का पैसा आएगा, फिर घपला करेंगे करीबन करोड़ों का। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर की स्थिति नहीं है, करीबन 10 किलोमीटर दूर की स्थिति है और यहाँ पर करोड़ों रुपये का घपला कर देते हैं ये लोग, छोटे सा गड्ढा भरने के लिए करोड़ों रुपये का फंड आ जाता है, पेच करने के लिए करोड़ों का फंड आ जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेच करने के लिए करोड़ों का फंड आ जाता है और इस चीज़ को भरने के लिए करोड़ों का फंड आ जाता है, पर यहाँ पे जो गरीबों के हक का पैसा मार कर यहाँ पे अपना जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ठेकेदार साहब, ये अब कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती है। अब देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जर्जर स्थिति बन गई है, फिर दूसरी बार ये दिखा रहे हैं और दूसरी बात ये बनवाएंगे, उसके बाद रिन्यूअल का फिर पैसा निकलवाएंगे, उसके बाद इनके जेब में कुछ पैसा जाएगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार है, हमने कई रोड सड़क दिखाने की कोशिश की जिस पर कार्रवाई हुई है, कई ठेकेदारों पर कार्रवाई हमने करवाया, पर इनको ये समझ में, क्योंकि ये हाईवे है, लोकल रोड की स्थिति ये इतनी दयनीय हो गई है, ये तो हाईवे है, हाईवे की भी स्थिति इतनी दयनीय है, ये है ठेकेदार की बनाई गई रोड की स्थिति, आप देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति है, ये है रोड की स्थिति, पहली रोड की स्थिति यही है, बनाया गया है रोड जो जिसकी स्थिति यही बनी पड़ी है, यहाँ पे आप खड़े होकर देख सकते हैं।
ठेकेदार का कहना है कि पहले बार बन गया था ये और दूसरी बार में रह गया था, जब चेक इन आया तो हम बनवा रहे हैं, जब चेक इन आया तब बनवा रहे हैं, जब ये पेश कर दिया जाएगा उसके बाद रिन्यूअल का पैसा लाएंगे, उसके बाद इनके जेब में कुछ पैसा जाएगा और उनका नितिन गडकरी जी देंगे। नितिन गडकरी जी कहाँ से देंगे, तो गरीबों के जेब से पैसा निकाला हुआ, टैक्स के पैसा निकाला हुआ ये अपने जेब में देंगे, तब ठेकेदार यहाँ पे बनवाएंगे और लूट मार कर शुरू करेंगे।